और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर पटना से है, जहां आरसीपी सिंह नई पार्टी की करेंगे घोषणा। 31 अक्टूबर को बिहार को मिलने जा रहा है एक नया दल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर नई पार्टी का गठन करेंगे और पटना के होटल चाणक्य में रखा गया है कार्यक्रम। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आरसीपी सिंह नई पार्टी की घोषणा करेंगे और 31 अक्टूबर को बिहार को एक और नया दल मिलने जा रहा है। दरअसल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और इस दौरान नई पार्टी का गठन उनकी जयंती के अवसर पर करेंगे। पटना के होटल चाणक्य में कार्यक्रम रखा गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है और आरसीपी सिंह को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है। जो आरसीपी सिंह नई पार्टी का गठन करेंगे और 31 अक्टूबर वह तारीख है जब बिहार को एक नया दल मिलेगा और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर नई पार्टी का गठन किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं उत्कर्ष की ओर। उत्कर्ष, आरसीपी सिंह नई पार्टी की घोषणा करेंगे, यह खबर सामने आ रही है। देखा जा रहा था कि वो काफी नाराज चल रहे थे और ऐसे में अब यह खबर निकल कर सामने आ रही है कि नई पार्टी का ऐलान करेंगे आरसीपी सिंह, क्या कुछ जानकारी? अब बिल्कुल नाना, देखिए नई पार्टी का गठन जो है वो आरसीपी सिंह करने वाले हैं। इससे पहले भी न्यूज़ नेशन से खास बातचीत में उन्होंने बोला था कि जल्द ही पार्टी का गठन जो है वो हो जाएगा और इसकी औपचारिक जानकारी जो है वो दी जाएगी। देखिए पार्टी का गठन जो है वो 31 अक्टूबर को जो है वो किया जाएगा, ये जो तारीख है इसका ऐलान कर दिया गया है। सूत्रों की माने, हमारी विश्वसनीय सूत्र जो है ये बता रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम होगा पार्टी की शुरुआत, ये कह सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई की जयंती के दिन होगा और पटना के चाणक्य होटल में किया जाएगा। आरसीपी सिंह पहले भी बता देगा, उनकी राजनीतिक करियर की बात की जाए तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, उसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और कह सकते हैं नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में से माने जाते थे, जो नीतीश कुमार के साथ बैठ के खाना खाते थे। लेकिन कई ऐसी घटनाक्रम हुए जब वो जेडीयू से अलग हो गए, बीजेपी में गए और बीजेपी के बाद भी कह सकते हैं कि उनको ये लगा कि एक नई पार्टी बनानी चाहिए और उन्होंने खास बातचीत में यह भी कहा था कि वो नई पार्टी का गठन करेंगे। सारे सीटों पर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर पार्टी जो है विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अब इस पार्टी को किस तरीके से देखना है, क्योंकि एक तरफ जनस्वराज की भी घोषणा की गई, नई पार्टी बनाई गई और उपचुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग, लेकिन दूसरी तरफ आरसीपी सिंह की भी नई पार्टी जो है वो शुरू होने वाली है। और आरसीपी सिंह का ये साफ कहना है कि जो दल बनेगा उसमें कई ऐसे नेता होंगे जो पुराने नेता हैं और साथ ही साथ एक पोस्टर भी आरसीपी सिंह का लगा था जहां पर लिखा गया था कि टाइगर जिंदा है। यानी कि ये बताने की कोशिश है कि राजनीति से कुछ दिन के लिए बाहर जरूर थे लेकिन राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय है आरसीपी सिंह। हाँ उत्कर्ष, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि बिहार में सियासी उठापटक लगातार जारी है और ऐसे में अब आरसीपी सिंह को लेकर यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है, और ऐसे में आखिर क्या हुआ कि बीजेपी से आरसीपी सिंह का मोह भंग हो गया? और बिल्कुल देखिए, नाराजगी इस बात की थी क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हुआ तो इनको टिकट नहीं दिया गया और ये माना जा रहा था कि जो आरा है वहाँ से टिकट दिया जाएगा, लेकिन आरके सिंह जो पूर्व ऊर्जा मंत्री रहे, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, उनका टिकट नहीं काटा जा सकता था। तो कई बातों को लेकर राजनीति जो कह सकते हैं कि उसमें दोनों के बीच जो अनबन है वो होती चली गई और कहीं ना कहीं एक नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने पार्टी की सक्रिय सदस्यता जो है वो नहीं ली। जब सदस्यता अभियान चल रहा था तब उन्होंने पार्टी की सदस्यता नहीं ली, यानी कि उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी और उसके बाद इन्होंने नई पार्टी के गठन की शुरुआत की। अलग अलग जगहों पर आरसीपी सिंह गए, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और एक बार फिर से नई पार्टी बनाने की जो जद्दोजहद है वो आरसीपी सिंह कर रहे थे। अब ऐसे में 31 तारीख को एक नई पार्टी का गठन हो सकता है और इसका औपचारिक ऐलान आज से कल तक आरसीपी सिंह जो है वो कर देंगे। हाँ, लेकिन उत्कर्ष, ऐसे में सवाल ये उठता है कि यदि आरसीपी सिंह अपनी पार्टी का ऐलान करते हैं और वो एक नया दल बनाते हैं तो ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? और पूरी तरीके से देखिए, अगर नई पार्टी का गठन होता है तो सबसे पहले उसकी विश्वसनीयता पे बात आती है, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसी पार्टियां हैं जो बिहार में बनी लेकिन चल नहीं पाई। उपेंद्र कुशवाहा इस बार दूसरी पार्टी बनाकर आए, पप्पू यादव ने भी अपनी पार्टी बनाई थी जन अधिकार पार्टी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के साथ विलय कर लिया। तो कई ऐसी पार्टियां थी जो बनी लेकिन जनाधार वो नहीं हासिल कर पाए, लेकिन अब जब आरसीपी सिंह एक पार्टी बना रहे हैं तो उम्मीद है कि वो जनाधार हासिल कर पाएंगे। लेकिन नई पार्टियों पर तुरंत भरोसा जो आम जनता है वो नहीं कर पाती है। इससे पहले भी कई पुरानी पार्टियाँ जो है वो बिहार में सक्रिय हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, और ऐसे में एक नई पार्टी को टिकना, वो भी ऐसे राज्य में जहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जहाँ की जनता जो है वो राजनीति में परिपक्व होती है, काफी मुश्किल होता है। हाँ ठीक है उत्कर्ष, ऐसे में आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ।
और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर पटना से है, जहां आरसीपी सिंह नई पार्टी की करेंगे घोषणा। 31 अक्टूबर को बिहार को मिलने जा रहा है एक नया दल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर नई पार्टी का गठन करेंगे और पटना के होटल चाणक्य में रखा गया है कार्यक्रम। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आरसीपी सिंह नई पार्टी की घोषणा करेंगे और 31 अक्टूबर को बिहार को एक और नया दल मिलने जा रहा है। दरअसल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और इस दौरान नई पार्टी का गठन उनकी जयंती के अवसर पर करेंगे। पटना के होटल चाणक्य में कार्यक्रम रखा गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है और आरसीपी सिंह को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है, जो आरसीपी सिंह नई पार्टी का गठन करेंगे और 31 अक्टूबर वह तारीख है जब बिहार को एक नया दल मिलेगा और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर नई पार्टी का गठन किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं उत्कर्ष की ओर। उत्कर्ष, आरसीपी सिंह नई पार्टी की घोषणा करेंगे, यह खबर सामने आ रही है। देखा जा रहा था कि वो काफी नाराज चल रहे थे और ऐसे में अब यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि नई पार्टी का ऐलान करेंगे आरसीपी सिंह, क्या कुछ जानकारी? अब बिल्कुल नैना, देखिए नई पार्टी का गठन जो है वो आरसीपी सिंह करने वाले हैं। इससे पहले भी न्यूज नेशन से खास बातचीत में उन्होंने बोला था कि जल्द ही पार्टी का गठन जो है वो हो जाएगा और इसकी औपचारिक जानकारी जो है वो दी जाएगी। देखिए पार्टी का गठन जो है वो 31 अक्टूबर को जो है वो किया जाएगा, ये जो तारीख है इसका ऐलान कर दिया गया है। सूत्रों की माने, हमारी विश्वसनीय सूत्र जो है ये बता रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम होगा पार्टी की शुरुआत, ये कह सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई की जयंती के दिन होगा और पटना के चाणक्य होटल में किया जाएगा। आरसीपी सिंह पहले भी बता देगा, उनकी राजनीतिक करियर की बात की जाए तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, उसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और कह सकते हैं नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में से माने जाते थे, जो नीतीश कुमार के साथ बैठ के खाना खाते थे। लेकिन कई ऐसी घटनाक्रम हुए जब वो जेडीयू से अलग हो गए, बीजेपी में गए और बीजेपी के बाद भी कह सकते हैं कि उनको ये लगा कि एक नई पार्टी बनानी चाहिए और उन्होंने खास बातचीत में यह भी कहा था कि वो नई पार्टी का गठन करेंगे। सारे सीटों पर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर पार्टी जो है विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अब इस पार्टी को किस तरीके से देखना है, क्योंकि एक तरफ जनस्वराज की भी घोषणा की गई, नई पार्टी बनाई गई और उपचुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग, लेकिन दूसरी तरफ आरसीपी सिंह की भी नई पार्टी जो है वो शुरू होने वाली है। और आरसीपी सिंह का ये साफ कहना है कि जो दल बनेगा उसमें कई ऐसे नेता होंगे जो पुराने नेता हैं और साथ ही साथ एक पोस्टर भी आरसीपी सिंह का लगा था जहां पर लिखा गया था कि टाइगर जिंदा है। यानी कि ये बताने की कोशिश है कि राजनीति से कुछ दिन के लिए बाहर जरूर थे, लेकिन राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय है आरसीपी सिंह। हाँ उत्कर्ष, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि बिहार में सियासी उठापटक लगातार जारी है और ऐसे में अब आरसीपी सिंह को लेकर यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है, और ऐसे में आखिर क्या हुआ कि बीजेपी से आरसीपी सिंह का मोह भंग हो गया? और बिल्कुल देखिए, नाराजगी इस बात की थी क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हुआ तो इनको टिकट नहीं दिया गया और ये माना जा रहा था कि जो आरा है वहाँ से टिकट दिया जाएगा, लेकिन आरके सिंह जो पूर्व ऊर्जा मंत्री रहे, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, उनका टिकट नहीं काटा जा सकता था। तो कई बातों को लेकर राजनीति जो कह सकते हैं कि उसमें दोनों के बीच जो अनबन है वो होती चली गई और कहीं ना कहीं एक नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने पार्टी की सक्रिय सदस्यता जो है वो नहीं ली। जब सदस्यता अभियान चल रहा था तब उन्होंने पार्टी की सदस्यता नहीं ली, यानी कि उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी और उसके बाद इन्होंने नई पार्टी के गठन की शुरुआत की। अलग अलग जगहों पर आरसीपी सिंह गए, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और एक बार फिर से नई पार्टी बनाने की जो जद्दोजहद है वो आरसीपी सिंह कर रहे थे। अब ऐसे में 31 तारीख को एक नई पार्टी का गठन हो सकता है और इसका औपचारिक ऐलान आज से कल तक आरसीपी सिंह जो है वो कर देंगे। हाँ, लेकिन उत्कर्ष, ऐसे में सवाल ये उठता है कि यदि आरसीपी सिंह अपनी पार्टी का ऐलान करते हैं और वो एक नया दल बनाते हैं तो ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? और पूरी तरीके से देखिए, अगर नई पार्टी का गठन होता है तो सबसे पहले उसकी विश्वसनीयता पे बात आती है, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसी पार्टियां हैं जो बिहार में बनी लेकिन चल नहीं पाई। उपेंद्र कुशवाहा इस बार दूसरी पार्टी बनाकर आए, पप्पू यादव ने भी अपनी पार्टी बनाई थी जन अधिकार पार्टी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के साथ विलय कर लिया। तो कई ऐसी पार्टियां थी जो बनी लेकिन जनाधार वो नहीं हासिल कर पाए, लेकिन अब जब आरसीपी सिंह एक पार्टी बना रहे हैं तो उम्मीद है कि वो जनाधार हासिल कर पाएंगे। लेकिन नई पार्टियों पर तुरंत भरोसा जो आम जनता है वो नहीं कर पाती है। इससे पहले भी कई पुरानी पार्टियाँ जो है वो बिहार में सक्रिय हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, और ऐसे में एक नई पार्टी को टिकना, वो भी ऐसे राज्य में जहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाले और जहां की जनता जो है वो राजनीति में परिपक्व होती है, काफी मुश्किल होता है। हाँ ठीक है उत्कर्ष, ऐसे में आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ।